नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय SAU सार्क देशों का संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था? यानी जितना वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल, उससे अधिक वृद्धि दर प्राप्त हो गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक इसका समय काल था। ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 2015 से योजना आयोग का स्थान, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, अब इसके स्थान पर नीति आयोग ने ले लिया है योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, इसको भी आप बिल्कुल जानते रहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का अनुमान 5.6% था। ठीक है, और यह प्राप्त हुआ था 6.7%। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है? बिल्कुल आपको ये भी पता होना चाहिए। वाराणसी में सारनाथ में पहला अपना धर्मोपदेश दिया था। इसी सारनाथ को कभी कभी आपको ऋषि पत्तनम दे देगा ऑप्शन में, तो सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर सारनाथ न दे करके ऋषि पत्तनम ऑप्शन में हो तो बिल्कुल आप ऋषि पत्तनम को सही विकल्प लगाएंगे। अगला प्रश्न है, 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, साहिल सिंह जोश। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका ग्लोब हो गया। 0° अक्षांश, जिसको कि विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है, 23.5° नॉर्थ। ठीक है, 23.5° नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है, वहीं पर 23.5° साउथ को मकर रेखा कहा जाता है, 66° नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66° साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इस 0° के दक्षिण तरफ। ठीक है, ये जो आपका साउथ ध्रुव की तरफ का भाग है इसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, इस दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5° अक्षांश के साथ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, बिल्कुल डी होगा आपका राइट आंसर, फिलीपींस। शेष आपका अर्जेंटीना, चिली और दक्षिण अफ्रीका देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। अर्जेंटीना में पंपाज नामक घास का मैदान पाया जाता है, बिल्कुल इसको भी आप जानते रहिएगा। अर्जेंटीना और चिली ये दोनों ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहा जाता है, ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जो भी मित्र चैनल से पहली बार जुड़े हों या फिर जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पीछे की कोई भी आपको वीडियो देखनी हो तो बिल्कुल आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस कला से संबंधित है? तो 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1986 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के प्रसिद्ध भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल, और ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल आप जानते रहिएगा। केरल का कथकली है, उत्तर प्रदेश का कथक है, कर्नाटक का यक्षगान है, पंजाब का भांगड़ा है, हरियाणा का रागिनी, ये सभी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीनेप्स में सूचना किस रूप में संवहित या प्रवाहित होती है? तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सीनेप्स वैसी एक संरचना होती है जिनमें न्यूरॉन्स एक दूसरे को, ठीक है, रासायनिक रूप में सूचनाओं का संवहन करते हैं, ठीक है, रासायनिक रूप में। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। मित्रों, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं बिल्कुल आपको बताए जाएंगे, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को आप एक बार दो बार और देख लेंगे उस तथ्य को। तो इन 40 प्रश्नों के माध्यम से कम आपका 100 प्लस प्रश्न तैयार करने का बिल्कुल लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1,00,000 लोगों के अनुवांशिक बनावट को संलेखित करने के लिए विश्व के सबसे बड़े मानव संजीन या जीनोम अनुसंधान का लोकार्पण किया है? ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी यूजफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चीन ऐसा करने वाला चीन देश है। सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 5 देशों से लगती है जिनमें भारत, थाईलैंड, चीन, लाओस और बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। भारत के सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य की है। ये पूरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2S, ठीक है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, OH की संयोजकता 1 होती है, तो OH की संयोजकता कैल्शियम पे लग जाएगी तो Ca1 या Ca लिखेंगे, और Ca की जो +2 संयोजकता होती है या 2 संयोजकता होती है ये OH पे लग करके 2 लग जाता है। इस तरह से ये बनता है रासायनिक सूत्र। तो संयोजकता बेसिकली आपका बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होता है। तो सामान्य विज्ञान प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत इनकी विस्तार से चर्चा की गई है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं वो वीडियो जा करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। तो क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। क्षार OH- आयन देते हैं, ठीक है, वहीं पर जो अम्ल होते हैं H+ आयन देते हैं। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वही अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस फैक्ट को बिल्कुल आप जानते रहिए, कई बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में। अगला देख लीजिए, धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, ये गलत, अम्लीय विलयन बनाते हैं आपका, ठीक है, ये आपका गलत दिया हुआ है कथन, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जलीय विलयन में क्षारीय विलयन बनाते हैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो तीसरा कथन गलत है आपका, केवल 1 और 2 सही है। इस तरह से आपका विकल्प ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट विकल्प। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? CAG, जिसको कि भारतीय धन का प्रहरी भी कहा जाता है, और ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, सौंपते हैं, ठीक है, और इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से 3-4 फैक्ट यहाँ पर हो गए इनके बारे में। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, और यह एक संवैधानिक पद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 52वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था, और इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची।
ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज से संबंधित है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये सभी प्रश्न आपके संबंधित जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं। 8वीं अनुसूची आपका भारतीय भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कुल 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मरुद्विद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? मरुद्विद या इन्हीं को बोलते हैं जीरोफाइट, ठीक है, ये रात में इसलिए करते हैं प्रकाश संश्लेषण ताकि दिन में होने वाले तीव्र धूप से तीव्र गर्मी से जल की हानि को रोक सके, तो जल का नुकसान रोकने के लिए, ठीक है। इनको जीरोफाइट्स पौधे भी बोलते हैं, जीरोफाइट्स, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। वहीं हैलोफाइट्स के अंतर्गत जो लवणीय भूमि में पादप उगते हैं उनको हैलोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो होना तो चाहिए इसको लगभग एक तिहाई यानी 33% पे होना चाहिए, लेकिन ये कितने प्रतिशत पे है? 20.7% पे। अगर समस्त वनावरण पूछा जाए तो लगभग लगभग आपका 24% क्षेत्रफल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? एक बात आप और जानते रहिएगा मित्रों कि जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है। पिछली वन स्थिति रिपोर्ट आपका 2018 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, उसके पश्चात ये आपका संभवतः 15वां था, ठीक है, 15वां, और 2020 में आपका 16वां वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाएगा, तो इसको बिल्कुल आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आप एक फैक्ट और भी जानते रहिए कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब में सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इसी भाखड़ा नांगल बांध से हर के वैराज नामक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम आपका कुल मिलाकर के 7 राज्यों से घिरा हुआ है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके राज्य के उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश हैं, पूर्व में मणिपुर है, नागालैंड है, और दक्षिण में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य हैं, पश्चिम में पश्चिम बंगाल, और ठीक है, असम की सीमा बांग्लादेश से भी लगी हुई है। त्रिपुरा राज्य को कहा जाता है कि इसकी सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप आपका एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, प्रवाल या कोरल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर निवास करते हैं। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, इनमें कुल 11 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 11 द्वीप ही आपके आबाद द्वीप कहे जाते हैं, आबाद यानी जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब का प्रथम स्थान है, लेकिन कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। वहीं चावल के उत्पादन में पश्चिमी बंगाल राज्य का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन बिहार विकल्प में न होने की वजह से आपका पश्चिमी बंगाल जो कि दूसरे स्थान पर है, तो बिल्कुल आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है?
तो भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245(1) के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है, बिल्कुल आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा आप और जान लीजिए कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कुल 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वहीं पर भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है। वहीं 51(1) में या 51(क) में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जबकि मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, उसको हटा दिया गया है। इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसी में भारत के प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 6 तक, ये कुल आपका भारत के नाम या भारत की भौगोलिक सीमाओं से संबंधित है। भाग 2 में अनुच्छेद 7 से लेकर के 11 तक, ये आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मित्रों, कोई भी प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर बार बार उनको रिवाइज करके आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो भी मित्र चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, जो भी मित्र ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। पीछे की कोई भी वीडियो आपको देखनी हो, बिल्कुल आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान आपका सर्वोच्च है। ठीक है, बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के कार्य करती है? तो विधान पालिका के अधीन रहकर के कार्य करती है। ठीक है, विधान पालिका में प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? कार्यपालिका और विधान पालिका, बिल्कुल आप समझते होंगे, कार्यपालिका जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग होता है आपका, तो यहाँ पर आपका, आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न उत्तर का सत्र होता है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था, तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। तो बी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसी में संपत्ति के अधिकार को 6-7वें मूल अधिकार के रूप में जो पहले था उसको हटा दिया गया, कुल मूल अधिकार 6 रह गए इस संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल आपका राज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। वहीं महान्यायवादी केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी,
एडवोकेट जनरल या फिर इन्हीं को बोलते हैं महाअधिवक्ता। एडवोकेट जनरल ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, यानी इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का प्रावधान है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल आप इसको भी जानते रहिएगा। और भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हैं। इनमें अनुच्छेद 40 में पंचायत गठित करने का निर्देश सरकार को दिया गया है। मित्रों, इन 40 प्रश्नों के माध्यम से आपका 100 से 150 तक आपके प्रश्न बिल्कुल आपके तैयार हो रहे होंगे, या ज़्यादा ही प्रश्न आपके बिल्कुल तैयार हो रहे होंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा GS के अलावा मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न श्रृंखला आप बिल्कुल आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग मतलब हो गया V, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यम। यम आपका होता है द्रव्यमान, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। बल एक सदिश राशि होती है, बिल्कुल आप इसको जानते रहिएगा। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको की व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर विस्थापन, वेग और बल ये सभी आपकी सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन आपका एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। वहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अगर आप 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका कुल हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। ये चारों विकल्प, ये तीनों विकल्प गलत है, केवल आपका सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो गति विषयक 3 नियम है, इन 3 नियमों में जो पहला नियम आपका है B=U+AT, इन 3 सूत्रों को बिल्कुल आप याद रखिएगा, इन पे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आप B=U+AT से त्वरण का मान निकालेंगे तो आपका त्वरण का मान आ जाएगा, त्वरण यानी A हो गया, तो A बराबर हो जाएगा V-U/T। वहीं पर गति विषयक जो 2 अन्य सूत्र और भी हैं उनको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। S दूरी हो गया, U प्रारंभिक वेग होता है, T समय होता है, तो UT+½AT² A आपका त्वरण हो गया, T आपका समय हो गया, ठीक है। और तीसरा सूत्र होता है V² V मतलब होता है अंतिम वेग बराबर U² यानी U हो गया आपका प्रारंभिक वेग +2AS A आपका त्वरण हो गया, S आपका दूरी हो गया। तो इन प्रश्नों पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये गर्त हो गया आपका, ये श्रृंग हो गया। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव या फिर 2 लगातार या 2 उत्तरोत्तर श्रृंग के बीच की दूरी या फिर 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य लैम्डा। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसी वजह से लाल रंग को खतरे के निशान के लिए यानी दूर से दिख जाए इनका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग के प्रकाश का, क्योंकि ये बिना क्षति पहुँचे काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकती हैं, क्योंकि इनका इनके तरंग दैर्ध्य का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण, जिसको कि इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जाता है, ये ऋणावेशित कण है।
अल्फा कण आपका धनावेशित कण होता है, इनको हीलियम का नाभिक भी कहा जाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। गामा किरणें ये उदासीन किरणें होती हैं। यक्स किरणें जिनकी खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। गामा किरणें भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या कह लीजिए या फिर परमाणु भार कह लीजिए, इसका मान होता है बराबर प्रोटॉनों की संख्या यानी पी प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 प्लस 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या का मान 4 हो जाएगा। वहीं पर प्रोटॉनों की संख्या बराबर सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और यही होता है आपका परमाणु क्रमांक। तो आई होप आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है? तो धातु वे तत्व होते हैं जिनमें तन्यता, आघात, वर्धनीयता, विशेष चमक होती है, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यानी इनके भारतम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 होगा तो ये सबसे ज़्यादा धात्विक प्रवृत्ति के होंगे, 2 होगा तो उससे कम होगा, 3 होगा तो उससे कम होगा, 4 होगा तो उससे कम होगा। जब 5, 6 और 7 जब इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भारतम कक्षा में, अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व आपका अधातु की श्रेणी में आ जाता है, कुछ को छोड़ करके, कुछ अपवादों को छोड़ करके, क्योंकि कुछ आपके उपधातुएँ होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अगर भारतम कक्षा में 1, 2, 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो तो ये धातु होते हैं। तो सी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है, ठीक है। और इसके अलावा एसिडिक भी होता है। बिल्कुल आप क्लियर हो गए होंगे, बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, ठीक है, अम्लीय भी होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगली वीडियो में पुनः प्राप्त होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।